हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो हम शाम का समय हो गया है, बारिश अभी जस्ट हो रहा था, इधर देखिए बारिश हो रहा था, लेकिन बारिश निकल गया है तो कोई बात नहीं, बारिश निकल गया है। तो गाइस, आप लोगों से हम कुछ शेयर करना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते। देखिए, आप लोग को पता है जैसे कि दीपक भाई का बर्थडे हमने विश करना भूल गए, स्टोरी लगाना भूल गए। आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि तीन के तीनों लोग भूल गए। तो होता है, कभी कभी ऐसा होता है। ये फर्स्ट बार ऐसा हुआ है भूल कि दिमाग में नहीं आया। दिमाग में देखो, अभी हम लोग का क्या है कि जैसे अब अपने बच्चों का या कोई कुछ भी हम लोग को करना रहता है तो दो चार दस दिन से हम लोग आगे से एक्साइटेड रहते हैं, उसके थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन इसके बारे में हम लोग जान रहे थे कि दीपक भाई का 2 जुलाई को बर्थडे है, लेकिन ये 2 जुलाई ये डेट नहीं है कि आज ही 2 जुलाई है। और गलती तो हुई है, उसके लिए हमने क्षमा मांगा। और आप लोग के कमेंट आ रहे हैं कि तुम्हारे लिए मायके से कोई नहीं करता है, ये दीपक है तुम्हें पता चलेगा। तो हमारे मायके से हमारे भाई हैं, तो हमारे मम्मी के ही बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, तो हम अपने माँ बाप के बच्चे हैं। तो माँ बाप नहीं करते हैं मायके में कि हाँ माँ बाप अब करेंगे, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो भाई लोग ही करते हैं। पता क्या चलेगा, ऐसे हमारे भाई लोग नहीं हैं कि कुछ बोलेंगे कि पता चलेगा इसको वही मायके से करते हैं। तो ये सब ताना बाना आप लोग क्यों बोलते हैं ये कि मायके से भाई करता है, ये करता है, वो करता है। गलती हो गई तो हो गई, नहीं ध्यान आया, इंसान बिजी रहा और कुछ उनका पहले से कुछ है। हम लोग जैसे क्या है कि देखो, ऐसे इतना ख्याल नहीं रहता है कि कब क्या करना है। जैसे अभी हम लोग को किसी का भी बर्थडे विश किया, कोई स्टोरी लगाया, स्टोरी देख लिए, हाँ आज इनका बर्थडे है। अब इतने लोग हैं, नहीं दिमाग में आया, नहीं दिमाग में चढ़ा, तो क्या कर सकते हैं। अभी हमें मायके से इतना ढेर सारा गिफ्ट आया, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि दिखाए नहीं क्या मायके से आया है। अभी गिफ्ट भी दिखाएंगे तो उसके लिए भी आप लोग बहुत ज़्यादा बोलेंगे। तो अभी मैं गई थी थ्रेडिंग बनवाने, हमारे थ्रेडिंग थोड़ा सा बगल में जहाँ मैं पहले रहती थी ना, नई बहू आई है उनको, तो वो पार्लर सीखी हैं, तो मैं वहाँ गई थ्रेडिंग बनवा के आई। तो पार्लर मैं बोली कि मतलब कि मैं बोली जाऊँ बनवा के आती हूँ, तो बोली कि वो बनाती हैं। तो मैं गई, मैं पूछवाई थी उनका, पूछ के बताना बनाती हैं तो मैं आके बनवा लूँगी। यही बगल में बनता है, घर में ही बन गया, नहीं तो इतना दूर हिला खिंचा में मुझे पार्लर में जाना पड़ता। तो चलिए, गलती की हूँ उसकी बातें हमें सुननी पड़ेगी, हमें कोई वो नहीं है। चलिए, इस गलती के एहसास से देख रहे हैं, ज़रा सा भी गले में बाल छू रहा, छुआई दे रहा है ना ऊपर, जबकि पूरा क्लचर लगा के कर दी हूँ, फिर भी गले में बाल छुआ रहा है। तो इतना तकलीफ़ हो रहा है कि गले में कुछ छुआई न दे। तो हम दिखाते हैं कि हमें अपने मायके से क्या मिला है, क्या नहीं मिला है। और इधर आ जाती हूँ, इधर देखिए यार क्या कर रहे हो अभी। हाँ, इधर देखिए घर फैला हुआ फैन चल रहा है। फैन कल बहुत धोखा दे रहा था, ये फैन की फैन इतना आवाज़ कर रहा था। तो अभी हमारे घर पूरी सुरक्षित नहीं है, जब हमारा गिफ्ट अनबॉक्सिंग पूरा हो जाएगा तो फिर उसके बाद मुझे घर की साज सज्जा करनी है, सब कैसे फैले हुए हैं हटाना बढ़ाना, बहुत ज़्यादा काम रहता है गाइस अकेले करना। बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं, कुछ हो ही नहीं पाता, फिर आते हैं तो बोलते हैं थक गया हूँ। तो उन लोग की थकावट भी दूर करनी है मुझे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, मैं निकाल के फिर सामान आपके साथ मिलती हूँ। शॉप नंबर तो गाइस देखिए, अभी बैग वगैरह सब कुछ इधर पड़े हैं और अभी मुझे बहुत हटाना बढ़ाना है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जानते हैं कि हमें अपने क्या है कि भाइयों से बहुत कैसे, आप लोग बोलते हैं ना कि पूनम दीदी आप अपने खर्चे को कैसे चलाती हैं, तो जानते हैं हमारे जो पहनने उड़ने के बच्चों के जूते हैं, हमारे मायके से सब कुछ हो जाता है। थोड़ा हेल्प तो मिलता है, हेल्प के जरिए देखिए यहाँ बच्चों को अंडर बियर बनियान तक मायके से भी आ जाता है। और इधर देखिए, इधर सब रखा हुआ है, कोई चीज़ की दिखे हमें जो भी ये नहीं है कि नहीं करते हैं, करते हैं। हम तो हमेशा बोलते हैं कि देखो बगैर सपोर्ट का इंसान कुछ नहीं, जब तक हमारे बच्चे बड़े नहीं हैं तब तक थोड़ा बहुत तो मायके का और हर सपोर्ट मिलता ही रहेगा। तो हम आ रहे थे, तो जो हमारे इनके बर्थडे में जो हमने ड्रेस पहना था, आप लोगों ने देखा था कैसा लगा था, ये ड्रेस मैं पहनी थी। और आर्यन जो कपड़ा पहने थे वो भी मायके से ही आया था, ये ड्रेस जो मैं पहनी थी ये भी मैं मायके से ही आया था।
और एक ड्रेस मेरे लिए ये है, खोल के तो नहीं दिखाऊंगी, फिर कभी पहनूंगी तो दिखाऊंगी, दिखा देती हूँ। एक ये है और कैसा लग रहा है, ब्लैक कलर में है, बहुत ही प्यारा ये हम तो कह सकते हैं कुर्ता सेट है। फिर उसके बाद बहुत ही अच्छा है, ब्लैक कलर का है, लेकिन इसका जो डिजाइन पैटर्न है ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने खोल के देखा है। फिर कभी जब पहनूंगी, वीडियोस बनाऊंगी, रील्स बनाऊंगी तो आप लोग देखिएगा। और एक ये है थोड़ा दुपट्टा सही से, ये भी वाइट कलर में और पिंक कलर में है, ये भी अच्छा लग रहा था। तो सबका पैटर्न बहुत अच्छा है और इसके साथ साथ में मुझे बुराई भी सुनने को मिलेगी। और आप लोग यही बोलोगे खाली मांग के अब क्या करें, जब जिसका जानते हैं जिसका घर बिगड़ जाता है तो या तो मायका या मायके वाले ही सपोर्ट और साथ दे सकते हैं, और उन्हीं का हाथ है जो कि आज हम लोग पहन रहे हैं, बच्चे पहन रहे हैं, जो भी रहता है भाई बहन मम्मी के यहाँ से हमारे सारे शौक पूरे होते हैं और बच्चों के भी शौक पूरे होते हैं जो भी रहता है। और रही पढ़ाई लिखाई, उसमें भी सब लोग क्या मतलब मिला जुला के हेल्प हो जाता है। तो जब इंसान देखो 30 त्यौहार पड़ता है, फिर ये आना जाना, अभी ये भी कमेंट आया था दीपक भाई का बर्थडे विश नहीं की, टिकट के लिए दीपक भाई दिखते हैं और बर्थडे के लिए इतना हंगामा, भी मायके से कुछ नहीं आया रहता तो मुंह बन जाता। फिर उसके बाद क्यों मुंह बनेगा, हमें अपने मायके की टेंशन नहीं है, हमें अपने मायके की चिंता नहीं है, बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हम लोग मायके से स्ट्रगल करके आए हैं। हम लोग बहुत हाई फाई नहीं है, मिडिल क्लास के ही हैं, लेकिन दिल होना चाहिए। हम तो गर्व से कहते हैं कि हमारे मायके वाले के पास बहुत दिल है। आप लोग के कमेंट भी और चीज़ें आ रही थी, मैं आप लोगों को उस नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और तो कम फैन बंद कर दी हूँ क्योंकि खटखट की आवाज़ आएगी और गर्मी काफ़ी हो रही है। और ये कुर्ता सेट कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हम तो कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा हमारे मायके वाले के पास इतना नहीं है, फिर भी वो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि हाँ मुझे करना है। और देखो रही बात आज से लिए, जब से हम लोग की शादी हुई है, मेरी शादी हुई थी तब पर भी मम्मी हर एक चीज़ भेजती थी। आर्यन हुए थे तो आर्यन को भी सब कुछ, मतलब अब जैसे जैसे जिसका शादी हो गया सबके बच्चों को एक बराबर सब कुछ देखा गया है, ऐसा नहीं है। तो चलिए भाई आप लोग की बातें सुन लेंगी, मैं दिखाने वाली नहीं थी। कमेंट तो आ गया कि मायके से आया दिखाई नहीं, तो दिखा दिए। और मम्मी देखो आर्या सोनाक्षी ने गुजिया बोली थी कि नानी मेरे लिए गुजिया भेज देना, तो नानी गुजिया भेज दी। फिर उसके बाद आरो बोला मेरे लिए लौंगता भेजना, नानी लौंगता भेज दी। फिर मैं सोची थी मुंबई चलूँगी तो मम्मी मेरे लिए दो किलो बेसन के लड्डू भेज दे, जो कि कुछ लड्डू वहाँ दिल्ली में ख़त्म हो गए थे और कुछ यहाँ आए बच्चे लोग को और बच्चे लोग खाए पिए ख़त्म हो गया, तो लड्डू ख़त्म हो गया है। और कमेंट आया डिब्बा सो के लिए रखी थी, डिब्बा में दो चार पांच लड्डू थे इसलिए हमने डिब्बा रखे थे, आज तो डब्बा फेंका गया और खा के फेंक दिया है। तो इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ आप सबसे नए ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।